नमस्कार, बाइसोस्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं, हजारीबाग में लगातार बिजली इससे दुर्घटनाएं की खबर आते रहती है और किसी न किसी मौत की खबर सामने आते रहती है। आज हम हजारीबाग के नीलांबर पीताम्बर चौक के समीप धोबिया तालाब रोड में मौजूद हैं और यहाँ पे एक पोल है पीछे, हमारे पीछे जो पोल आपको दिख रहा होगा काफ़ी जर्जर अवस्था में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोल रोड के बीच में स्थित है, यानी कि कभी भी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा है। आप देख सकते हैं, आपको विजुअल में दिख रहा होगा कैसे पोल नीचे से टूट चुका है, जर्जर अवस्था में है। कभी भी जब तेज़ हवा आएगी तो इससे दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के जब स्थानीय लोगों से हमने बात की तो वो भी डरे हुए हैं और उन्होंने भी बताया कि जब भी तेज़ हवा चलता है तो इस पोल के गिरने की संभावना बनी रहती है, तथा बीच रोड में होने के कारण बड़ी गाड़ियां जब इधर से गुजरती है, आपको बता दूं यह व्यस्त इलाकों में से एक है, और जब भी बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती है तो एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। क्या कहा लोगों ने, आइए सुनते हैं। क्या समस्या हो रही है भैया? ये बिजली का जो पोल है, जो इसमें 11,000 का जो तार वायर गया है, इस हमारे घर के जस्ट सामने में है। यहाँ से प्रतिदिन कम से कम 1,000-1,500 स्टूडेंट और फैमिली के लोग हैं सो यहाँ से आवागमन है प्रतिदिन। यहाँ 11 बजे रात तक भी आना जाना लगा ही रहता है स्टूडेंटों लोग को पूरा। और ये जो खंभा का स्थिति है, ये किस समय क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। ये किसके साथ दुर्घटना घटेगा, किसके साथ क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा मकान है अपने दुकान के सामने, हम यहाँ देख रहे हैं। और बहुत बार कंप्लेन किया गया है, एक गड्ढा भी बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पे खोड़ा गया है, जिसके बाद मैंने 15 से 20 दिन तक आश्वासन दिया गया हम लोग को कि यहाँ पे है सो, तो आश्वासन दिया गया है कि हम लोग को 15 दिन के अंदर हो जाएगा। तो फिर ये गड्ढा कोड़ के, और उसके बाद हम लोग को कम से कम 8 से 9 महीना बीत गया, और मगर अभी तक कुछ भी यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ नहीं प्रोग्रेस के और है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी प्रकार से हम लोग के जान के लिए है सो हम लोग को बहुत माने दिक्कत है, किसी के साथ दुर्घटना घट सकती है, इसके चलते है सो जल्द से जल्द इसका जितना जल्दी बिजली विभाग पर यह सूचना जाके इसका काम जल्द से जल्द हो जाए, नहीं तो हम लोग को जान के लिए बहुत मन दिक्कत है, कभी भी कुछ हो सकता है। रविंद्र कुमार, यहाँ पे ये जो पोल के खंभा दिख रही है, ये काफ़ी मतलब ऐसा है कि यहाँ पे लोग को इससे दिक्कत हो रहा है, 11,000 का लाइन इससे जा रही है, तो कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती, तो इसे शायद यहाँ से अगर साइड कर दिया जाए तो ये अच्छा होता, और इससे दुर्घटना होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यही समस्या यहाँ की है, और दिक्कत यही है कि अभी आपसे कोई आना जाना करे, बाय चांस अगर उसमें पोल में अगर लग जाए तो हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए, तो ये सब समस्या हो सकती है, और हो जाएगी कभी कभी। इसलिए हम बोलते हैं कि इस पोल को जो है इसको साइड अगर कर दिया जाए, हम बिजली विभाग से यही निवेदन करते हैं कि इस पोल को अगर साइड कर दिया जाए तो ये काफ़ी बेहतर होगा यहाँ पे, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के हम लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग आते जाते हैं, तो अगर रात में लाइट उट कट जाती है तो शायद ये अंधा में ना दिखे और इससे दुर्घटना हो सकती है। मेरा नाम अरविंद कुमार है। सुना आपने, लोगों ने अपनी समस्या बताई तथा बिजली विभाग से इन्होंने आग्रह किया है कि इसे जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए, तथा इस मोहल्ले में जितनी भी एक दो पोले इस अवस्था में है उसे बदल दिया जाए ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिजली विभाग की नींद कब खुलती है और कब इस पोल को यहाँ से हटाया जाता है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22स्कोप, हजारीबाग। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंकवेट हॉल, डिप्टी बाईपास रोड, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुलदोस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उठा लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।